दोस्तों पति को कोर्ट में खड़े होकर ये दो बातें बोलनी है। अगर पति ये दो बातें हैं जो अगर अच्छे से कोर्ट के सामने रख देते हैं, कोर्ट में अगर बोल देते हैं, तो पूरा का पूरा उस केस का फैसला है जो पति के पक्ष में आ जाएगा। तो कौन सी दो बातें हैं जो पति को कोर्ट के अंदर बोलनी है जिससे अपने पक्ष के अंदर फैसला करना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए अंत तक पूरा वीडियो देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं कि देखो पत्नी क्या करती है कि बहुत से मामले ऐसे लिखवाती है, ऐसे झूठे मामले करती है जिनके अंतर्गत है जो पति के ऊपर, पति के पेरेंट्स रिलेटिव जो भी है सभी के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाती है। यानी कि वो गलत से गलत दिखाती है कि इन लोगों ने इतना बुरा है जो मेरे से किया है, मेरे साथ में किया है, इस वजह से है जो मुझे मजबूरन इनसे दूर रहना पड़ रहा है, या फिर इन लोगों को है जो इस आधार से पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि ये लोग है जो सभी गलत है। तो यहाँ पे पत्नी जो भी आरोप लगाती है, इन सारे आरोपों को अगर आप दबाना चाहते हैं और आपकी बात इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल वो सारे आरोप है जो दब जाएंगे और आपकी जो बात है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे ही आपकी बात ऊपर आएगी तो पूरा फैसला है जो आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। चाहे यहाँ पे कोई सा भी मामला क्यों ना हो, चाहे पत्नी कोई सा भी केस क्यों ना डाले, चाहे यहाँ पे आईपीसी 4980 से रिलेटेड हो, या फिर डीवी का हो, या फिर मेंटेनेंस का हो, या फिर सेक्शन 9 का हो, या फिर कोई डाइवोर्स का हो, तो ऐसे तमाम जितने भी मामले हैं जो पत्नी के द्वारा डाले जाएंगे तो उनके अंदर बस पति को ये दो ही बातें बोलनी है। और ये दो बातें अगर बोल देते हैं, देखो हर पति को ये बात नहीं पता होती है कि मेरे को किस तरीके से बात रखनी है। वैसे तो आप है जो चाहे उस केस के अंदर आते जाते रहिए, अपना समय और पैसा है जो बर्बाद करते रहिए, पर इस चीज़ से है जो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास में थोड़ी नॉलेज है, ये ट्रिक अगर आपको पता है और उस ट्रिक से अगर आप अपनी बात रखते हैं तो श्योरली वो केस है जो आपके पक्ष के अंदर आएगा। बहुत से मामले तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर पति के ग्राउंड है जो बहुत मजबूत होते हैं, यानी कि इतने इंपॉर्टेंट है जो पति के पास में एविडेंस होते हैं, फिर भी है जो पति उस मामले को यानी कि उसकी साइड में कर देते हैं, पत्नी की साइड में मामला है जो चला जाता है और यहाँ पे है जो पति की हार हो जाती है, यानी कि एविडेंस होते हुए हार जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात है जो अच्छे से कोर्ट के अंदर रख ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक रखने का तरीका होना चाहिए, यानी कि अपनी बात किस तरीके से अपने को रखनी है, क्या बोलना है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, हर एक बात का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो उसको ही आपको कोर्ट के अंदर रखना है। उसको अगर आप रखते हैं, देखो ये नॉलेज है जो आपको हर कहीं से नहीं मिलेगी, बहुत कम एडवोकेट है जो ऐसी नॉलेज देते हैं, यानी कि ऐसी नॉलेज जब मिल जाती है तो बिल्कुल वो केस है जो अपने पक्ष के अंदर आ जाता है, यानी कि उस हिसाब से फिर आपको बात रखनी पड़ती है। तो इसमें देखो ये दो बात कौन सी है, तो इसमें पहली बात तो ये है कि आप पति है और पत्नी के साथ में रहते हुए जो भी आपने अच्छा किया है वो सारी बात है जो आपको कोर्ट के सामने रखनी है। जैसे अगर आप घूमने फिरने के लिए गए हैं, एंजॉयमेंट किए हैं, उससे रिलेटेड जो भी फोटो है, वीडियो है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी एविडेंस हैं इनसे रिलेटेड, तो वो सारे हैं जो कोर्ट के सामने आपको रखने हैं। और यहाँ पे पत्नी के नाम से आपने कौन सी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रखी है, पत्नी के नाम से कोई FD या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसी जो भी सारी स्कीमें आती हैं उनके अंदर अगर पत्नी के नाम से आपने पैसा अगर सेव कर रखा है वो सारी बातें हैं। पत्नी के नाम से आपने अगर कोई ज्वेलरी वगैरह बनवाई है वो सारी बातें हैं। पत्नी के लिए अगर आप है जो बहुत अच्छा और भी किए हैं साइडली, अगर और भी कुछ नया आप कर रखे हैं तो आप दिखाइए। पत्नी की अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो उसके अंदर आपने है जो पैसा खर्च किया है उसका इलाज वगैरह करवाया है, तो इनसे रिलेटेड मेडिकल के जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, यानी कि जो भी मेडिकल के पेपर्स हैं, उन सभी को आपको कोर्ट के सामने रखना है। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो भी आपने बेटर से बेटर किया है, उन सारे एविडेंस को आप कोर्ट के सामने रखिए कि देखो मेरा जब भी इनसे रिलेशन रहा है, मतलब जब भी हम दोनों साथ के अंदर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी गलत काम मैंने नहीं किया है, उल्टा इसके लिए मैंने बेनिफिट ही किया है, यानी कि फ़ायदा ही किया है और सारे अच्छे काम हैं जो मैंने किए हैं। तो इस तरीके से अगर आप रिक्वेस्ट करके और कोर्ट के सामने अगर ये बात रखते हैं, विद एविडेंस रखते हैं, तो केस है जो आपके पक्ष के अंदर आ जाएगा। पहली बात तो आपको ये रखनी है। और इसमें दूसरी बात ये आती है कि पत्नी ने जो भी गलत किया है, यानी कि पत्नी की गलती के जितने भी एविडेंस है वो सारे हैं जो आपको कोर्ट के सामने रखने हैं कि ये देखो मैंने तो इसके लिए अच्छा किया पर इसने है जो इतना गलत है जो हमारे साथ में किया है, ये सारे एविडेंस है जो मेरे पास में है। तो इन सभी को अगर आप कोर्ट के सामने अच्छे से रख देते हैं, जज साहब को अगर आप कन्विंस कर देते हैं, तो बिल्कुल आप है जो हर एक केस को अपनी साइड के अंदर कर सकते हैं। ये दोनों बातों के अंदर हर एक केस का निचोड़ है, यानी कि सारे केस है जो इन्हीं दो बातों के ऊपर डिपेंड करते हैं। दो बातें चाहे आपको छोटी लग रही होगी पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।